सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। रोहित शर्मा आपके लिए हाजिर है, पंडित नारायणा फेस टू से, पीआरएस प्रॉपर्टी से। आज का टॉपिक है यार एज। एज इज जस्ट अ नंबर, जो कि मुझे लगता है, जैसे कि मेरे को ऐसा लगता है कि आज के टाइम में बड़े लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि यार एज मैटर करती है। वो चीज़ सही है। आप सोचिए कि एक 40 साल का बंदा, एक 50 साल का बंदा, जिसको तजुर्बा है, जिसको एक्सपीरियंस है, उस चीज़ की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और वो चीज़ जेन्युइन भी है और हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए। बट समटाइम्स फील होता है कि यार इस प्रॉपर्टी के बिजनेस में एज कहीं मैटर करती है। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई फील कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हाँ हमें तजुर्बे से, हमें एक्सपीरियंसेस से मिलते हैं, जो कि हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं या समाज से सीखते हैं। बट मेरे को ऐसे पर्सनली लगता है कि एक गधे और एक घोड़े में फ़र्क है यार। वो क्या फ़र्क है कि जो एक गधा है वो 40 साल तक भी मेहनत करता रहेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो गधा है। और एक घोड़ा जो कि सिर्फ एक साल मेहनत करे और सब कुछ सीख जाए तो वो एक घोड़ा है ना, तो उसी को हम कहते हैं हॉर्स पावर। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उस काम को करना चाहते हैं कि नहीं। तो मेरे हिसाब से आप 18 साल के हो जाए या आप 40 साल के भी हो जाए, अगर आपकी नीयत है काम करने की तो आप कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं आप 40 साल के हो गए तभी आप काम कर पाओगे, ऐसा नहीं हो सकता यार। अगर मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर वो हिम्मत है कि मैं वही काम जो 40 साल का बंदा है मैं 21 साल में कर सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। आज सचिन और विराट कोहली एक बहुत ही महान क्रिकेटर्स हैं, बट कुछ लोग सचिन को विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, जो कि झूठ है। तो मैं अपने पहले व्लॉग में यही बताना चाह रहा हूँ कि यार डोंट कंपेयर, बिकॉज आप सोचते हैं कि एक 28 साल का लड़का क्या प्रॉपर्टी बेचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज मार्केट में वो काम कर रहा हूँ जो 40 साल के लोग भी कर जाएं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं बड़ा काम कर सकता हूँ। और मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए और उन नए यंगस्टर्स का प्यार चाहिए जो मेरा साथ देंगे और जो वही काम कम एज में करके दिखाएंगे। तो चलिए यार चलते हैं कहीं कॉफ़ी पीने और फिर बताते हैं कि हम प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या काम करते हैं और आपके लिए क्या क्या नई चीज़ें लाए हैं जिससे कि आप अपने 1 रुपये को 100 रुपये कर सकते हैं। आइए तो आइए कॉफ़ी पीते हैं और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। अब हम कॉफ़ी पी रहे हैं, बहुत ही गर्म गर्म कॉफ़ी, बट इसके अंदर टेंशन की कॉफ़ी की स्माइली हट गई है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत बहुत सारी बीसी करी, मतलब कि बहुत क्यूट क्यूट बातें करी। और आते हैं अब रियल टॉपिक पे, प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज आपके लिए मैं एक इतनी अच्छी प्रॉपर्टी लाया हूँ जिसे आप ना नहीं कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी के अंदर आपको पार्किंग स्पेस बहुत अच्छा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि वो ना करते भी एक अच्छी बड़ी रोड पे है और प्रॉपर्टी का साइज़ कुछ 3400-3500 फुट एरिया, जिसके अंदर आपको बहुत ही बड़ी वाइड बेसमेंट और साथ में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड फ्लोर शेड के साथ ये प्रॉपर्टी आप पूरी भी ले सकते हैं रेंट पे। ये प्रॉपर्टी के अंदर आप बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर भी ले सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोई भी लोडिंग का काम करते हैं, कि आपके ट्रक्स लगते हों या आपको पार्किंग की प्रॉब्लम रहती है, तो इस प्रॉपर्टी में आपको वो नहीं होगा। हाँ, ये नारायणा के अंदर ही स्थित है। आप मेरे को कॉल कीजिए, मेरा नंबर आपको नीचे दिख सकता है, मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए और देखिए कि मेरे पास इतनी अच्छी प्रॉपर्टी के प्रपोजल्स हैं जिसे आप ना निकल सकते। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ और मेरे को आप बताइए कि क्या क्या मैं चीज़ें और ला सकता हूँ कि जिससे यूथ को मोटिवेशन मिले और प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं और कुछ आपको ऐसा दिखा पाऊँ जो आप चाहते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरा पहला व्लॉग है, मुझे आप सबका प्यार चाहिए और आप लोगों का प्यार ही मेरे को एक बड़ी मंजिल तक ले जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया।